मुलाकात होगी और ये मुलाकात बेहद खास होगी क्योंकि मुलाकात है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। विषय बहुत अहम, कश्मीर का मुद्दा। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चर्चा होती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस में हैं। G7 समिट में वो हिस्सा लेने पहुंचे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौरान वहीं पर हैं। साफ तौर पर इससे पहले बात कह दी गई थी कि इस समिट के दौरान जब इन दोनों की मुलाकात होगी तो बात कश्मीर मुद्दे पर भी की जाएगी, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान भी वहाँ पहुँचे थे और मध्यस्थता की बात को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मध्यस्थता के लिए उनकी बात प्रधानमंत्री मोदी से हुई है। उसके बाद सदन में हंगामा हुआ, फिर व्हाइट हाउस की तरफ से साफ तौर पर बयान निकलकर सामने आया कि इस तरीके के ऐसा कुछ नहीं है, भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामला है, वो आपस में सुलझाएगा। फिर एक बार बात निकलकर सामने आई और उसके बाद अब जब हालात को इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने का प्रयास कर दिया कि कश्मीर के हालात बेहद नाजुक हैं, जो स्थिति है वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं, उनका जीवन काफ़ी संघर्ष में बन चुका है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जिसके बाद साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन पर भी बात हुई थी। उसके बाद इमरान खान को भी चेतावनी दी गई थी, साफ तौर पर नसीहत दी गई थी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि वो हमारे राजनीति को लेकर और शब्दों को लेकर और कश्मीर को लेकर काफ़ी अजीबोगरीब बयान देने, जिस प्रकार की धमकी दे रहे वो ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करा था इमरान खान को और कहा था कि आप अपने शब्दों की मर्यादा बना रखें, इस प्रकार की कोई धमकी देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी बात रखने के लिए अधिकारी हैं लेकिन कुछ भी कहना आपके अधिकार में नहीं है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बैठक है। दरअसल बीते दिनों भारत ने जम्मू कश्मीर पर जो फैसला लिया उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन की ओर से जो बयानबाजी हुई उस बीच ये मुलाकात काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सदन में जिस प्रकार से विपक्ष ने हंगामा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और ये बात बताए कि क्या उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया था। आपको याद होगा विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने सदन में बात कही थी कि हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये बात उन्होंने बहुत पहले कह दी थी। लेकिन विपक्ष की अगर आप बात करेंगे तो विपक्ष लगातार हंगामा काट रहा था। विपक्ष का कहना था कि ये बात आप मत कहिए, प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बुलाइए और वो सदन में इस बात को रखेंगे कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है। तो कहीं ना कहीं मुलाकात में एक मायने ये भी निकल रहे हैं कि क्या इस विषय को लेकर चर्चा करी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता था कि इस मुद्दे को लेकर बात करी जाए, पूछा जाए, और वही फ़ोन कॉल पर जो बात हुई थी, क्योंकि आधे घंटे की बात हुई थी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की, जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी करा था, उन्होंने कहा था कि रणनीति व्यवसाय और खास कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमारी चर्चा हुई, जो इस समय की स्थिति है चिंताजनक है लेकिन अच्छी है। ये लास्ट के वर्ड्स है उनके कि स्थिति चिंताजनक है लेकिन अच्छी है। साफ तौर पर उसके बाद परिस्थितियों को लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से इस पर बात करना, क्योंकि अगर आप अमेरिका की बात करें तो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक माना जाता है और G7 की अगर आप बात करेंगे G7 समिट में ये मुलाकात मानी जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच जब ये मुलाकात होगी तो काफ़ी अहम होगी। उस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती नज़र आएगी, बहुत सी बातें होंगी जो होंगी, इमरान खान ने जो बातें कही होंगी उनका भी असर कहीं ना कहीं इस मीटिंग के दौरान देखने को मिलेगा। वहीं इस मीटिंग के बाद से इमरान खान की सत्ता में भी भूचाल आ चुका है। साफ तौर पर मध्यस्थता को तैयार करने के लिए पूरा प्रयास इमरान खान की तरफ से किया गया, काफ़ी बवाल भी इसके बाद मचा, भारत सरकार ने इसे सफाई दी, बाद में ट्रंप ने के दावे को झूठा करार दिया, फिर व्हाइट हाउस ने बात कही थी, उन्होंने भी सफाई दी और साफ तौर पर कहा कि मसला जो है वो भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला, तीसरा पक्ष इसके बीच में नहीं आएगा। वहीं अगर आप बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज अपने देश की जनता को संबोधित करेंगे। इस संबोधन के कई मायने हैं, क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे को लेकर मुलाकात होगी और उसी की गौरतलब भारत ने 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का विशेष राज्य के दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और राज्य में दो केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित किया। इसके बाद से ही राजनीतिक नेताओं समेत अलगाववादी नेताओं को विरासत में लिया गया। पिछले सप्ताह खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को भारत सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा प्रचार करने का प्रयास भी किया था। UN की आपको रिपोर्ट याद होगी जहाँ पर
पाकिस्तान ने पूरा प्रयास करा था कि वो दिखा सके, चीन के माध्यम से लेके गया था इस मामले को यूएन में, और कहीं ना कहीं वहां भी मुंह के बल की खाई थी, क्योंकि सब बखूबी जानते हैं कि ये मामला जो है ये भारत पाकिस्तान के अंदर का है, कैसे निपटाएंगे, भारत के ऊपर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण मामलों के विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में देश को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में खान जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर एक तरफ काफ़ी अहम भारत के लिए आज का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, कश्मीर मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एक झूठी तस्वीर दिखाने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया, आपको याद होगा जो तस्वीरें आपने देखी, विरोध की तस्वीरें आपने देखी, पाकिस्तान जिन देशों में था वहां विरोध करता नजर आया, पैम्पलेट्स लेके चल रहा था, होर्डिंग बना के चल रहा था, और उन होर्डिंग्स में जो तस्वीरें लगी थी वो बहुत पुरानी तस्वीर थी, और बहुत हद तक जी बात निकल कर सामने आई थी वो तस्वीरें भारत की थी ही नहीं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही नहीं थी, हिंसा की। साफ तौर पर आपने तस्वीरें देखी थी, उन तस्वीरों में एक प्रयास किया गया था झूठी तस्वीर दिखाने की भारत की, कि अभी यह स्थिति निकल कर सामने आई है। आपको याद होगा जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जम्मू कश्मीर के कहा था कि अभी कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो वर्ष 2010 से लेकर 16 के बीच की हैं, और उनमें कहा जा रहा है कि ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद की वीडियोस हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियोस 2010 से 2016 के बीच की हैं, जब ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएँ हुआ करती थी। तो साफ तौर पर जो एक प्रयास किया गया लगातार कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद उसको दिखाने का, उसके बहुत से मायने हैं। बहुत से मायने इसलिए भी हैं क्योंकि कश्मीर का मुद्दा काफ़ी गर्म रहता था। आपने लगातार, आपसे हमने इस विषय पर भी चर्चा करी कि अमेरिका आखिरकार क्यों चाहता है कि उस मुद्दे पर बात करे, अमेरिका का जो हस्तक्षेप लगातार देखने को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्यों वो चाहता है कि मध्यस्थता हो, इस पर भी डिबेट हुई थी, आपने वो भी समझा था। साफ तौर पर उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी चाहत है, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक बिग ब्रदर के रूप में अपने आप को अमेरिका देखना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा जो सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच लटका पड़ा था उसे हमने सुलझा के समाप्त कर दिया। इसलिए कहीं ना कहीं मध्यस्थता की बात भी लगातार अमेरिका की तरफ से निकल कर सामने आई थी। लेकिन साफ तौर पर जब सदन से बात कह दी गई भारत सरकार की तरफ से कि हम मध्यस्थता नहीं करेंगे, मध्यस्थता का करने का तरीका भी केवल तब निकल कर सामने आएगा जब बात तब करी जाएगी जब पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर देता है, मध्यस्थता की बात हम तब करेंगे या फिर हम इस पर चर्चा ही तब करेंगे। लेकिन उसके बाद अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, साफ तौर पर जो उसका पहला प्रावधान था उसको छोड़कर बाकी दो खंड उसके हटा दिए गए, समाप्त कर दिए गए। कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना, बहुत कुछ विपक्ष ने कहा इस दौरान, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से आज की मुलाकात अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दो बार ऐसे बयान दिए, तीन बार उनका मध्यस्थता को लेकर ऑफर निकल कर सामने आया, उसमें एक बार जब पहली बार उन्होंने बोला था तो उनका एक झूठ भी निकल कर सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से इस विषय में चर्चा हुई है, बात हुई है, विपक्ष ने बहुत हंगामा करा था। कहीं ना कहीं कई मानक है उनको लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या इस बैठक और इस बातचीत के दौरान निकल कर सामने आता है। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, उनसे आपको रूबरू करवा देती हूँ। नावेद शुको जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ अरविंद तिवारी जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अरविंद विद्रोही जी हैं समाजवादी चिंतक हैं, डीपी यादव जी हैं पीएससी प्रवक्ता हैं, और विकास तिवारी जी हैं बीजेपी के नेता हैं। सबसे पहला सवाल नावेद जी आपसे होगा जी। लगातार कश्मीर का मुद्दा जो है चर्चाओं में चल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने जो झूठ बोला था उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने बात कही थी मध्यस्थता को लेकर तो उन्होंने उस दौरान झूठ कहा था और सदन ने कहा था कि आप हमें ये प्रूफ करिए या फिर प्रधानमंत्री मोदी सदन में आके बात कहें कि उन्होंने ये बात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं कही है। देखिए ट्रंप लगातार इस तरह के झूठ बोलते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, और उन्होंने खुल के इतना बड़ा झूठ जो बोला था उसका विरोध हुआ था और उनकी अमेरिका में खुद इसका विरोध हुआ था और इसका खंडन हुआ था। बिल्कुल। और अब जो जहां तक सवाल है इस पर मुलाकातों की, तो ये मुलाकात है बड़ी सराहनीय है और बहुत ही फायदेमंद होगी दोनों देशों के लिए, लेकिन हमारा मानना है, हमारे देश का भी मानना है, हमारा रुख ये है कि कश्मीर का मुद्दा जो है हमारा अपना अंदरूनी मुद्दा है, इसके लिए हमें किसी तीसरी ताकत की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि कोई अपना राय मशवरा दे सकता है, लेकिन हम किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर का ये मुद्दा, ये हमारा कश्मीर है, हम इसमें अपना संविधान लागू करें या अपना झंडा फहराएं, इसमें किसी दूसरे देश का क्या मतलब है। बिल्कुल।
मेन चीज ये है, लेकिन हाँ मुलाकात हो रही है वैश्विक स्तर पे, हम मजबूत हैं, हमारे प्रधानमंत्री लगातार दूसरे देशों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे एक अच्छा रिश्ता बना रहे हैं, दुनिया में हम एक बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं और अमेरिका भी हमसे मिलना चाहता है, हम भी अमेरिका से मिलना चाहते हैं, ये सिलसिला अच्छा है। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर हम किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी सरकार भी कहती है, हमारी देश की जनता भी कहती है और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। बिल्कुल विद्रोही जी, तीसरी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बात अभी नावेद जी ने कही है, लेकिन एक बार फिर क्योंकि चर्चा होने जा रही है इसी विषय पर और काफ़ी G7 की अगर आप चर्चा करेंगे उससे ज़्यादा अहम आज की चर्चा ये रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करी, वो भी कश्मीर मुद्दे पर। काव्या जी, अमेरिका में भी चुनाव होना है। बिल्कुल, अब भारतीयों की ताकत जो है, भारत देश में हो सकता है कुछ नेताओं को अपनी ताकत न मालूम हो, दूसरे के मुंह देखते हो, लेकिन अमेरिका की राजनीति में जिसको राष्ट्रपति बनना रहता है वो भारतवंशियों की ताकत को बखूबी जानता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा वहां पर आने के लिए इस तरह के बयानबाजी अपनी निकटता दिखाने के चक्कर में, जैसे शेख चिल्ली के किस्से होते हैं ना जी, उससे भले जगहसाई हो जाए वो उनके मुंह से, चूंकि जिसकी आदत रहती है हाइपरबोलिक होने की, तो कभी कभी न चाहते हुए भी अनजाने में बोल जाता है, वही रहा। रही बात कश्मीर की, तो देश के गृह मंत्री सदन में स्पष्ट कर चुके कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की, तो उसमें पीओके और अक्साई चीन भी होता है। बिल्कुल, हमारे देश का एक हिस्सा है कश्मीर, अब कश्मीर का मतलब सीधा पीओके भी। बिल्कुल हाँ, वहां पर वास्तव में जो इस समय पाकिस्तान का के कब्जे में है अधिकृत कश्मीर, हमारा जो शेष कश्मीर है, वहां पर वास्तव में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, वहां कोई विद्यालय नहीं है, वहाँ का जो लोग हैं जो कश्मीरी हैं वो कश्मीरियत से दूर हैं, वो अपने रोजी रोटी संघर्ष के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको पाकिस्तान की सेना और सेना की ही वो जो सरकार है इमरान खान की, वो उनको कुचल रही है, मानवता शेष कश्मीर में पीओके में तार तार हो रही है। अब स्पष्ट रूप से बात ये होनी चाहिए और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और भी हो जो अपने को ताकत समझता हो, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से या यहाँ के अधिकारियों से बात होगी तो वो उसी पर होगी कि जो हमारा हिस्सा था पीओके था, वहाँ पर जो मानवता कुचली जा रही है, कश्मीरियत जो पीओके में दबाई जा रही है, हकों हकूक नागरिकों को नहीं मिल रहे हैं, उसकी बहाली के लिए हमको अपने नक्शे में, चूंकि हमने वहाँ पर विधानसभा की सीटें भी लगातार छोड़ रखी हूँ, हमारा हिस्सा है और वहाँ के लोग, वहाँ की आवाम आजादी के नारे लगा रही है, अभी कल परसों भी वहाँ के ही चैनल पर सब दिखाया कि हमको चाहिए आजादी, हजारों लाखों लोग निकल करके झंडा कर रहे हैं, तो हमारे ही देश के टुकड़ा है, हमारा ही अंग है, उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा है, उसको हमको वापस चाहिए। अगर कोई विचार विमर्श कहीं होगा तो हमारे सत्ताधारी दलों का वही होगा, और बात तो जो भी होगी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर की और मुद्दे होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, सदन से लेकर सड़क से लेकर के हिंदुस्तान के सारे न्यूज चैनल्स में मुझको लगता है 99% लोग कहते भी यही है, जो ना कह पाते हो बात अलग है, बात तो केवल जो है पाकिस्तान से ही होगी, ये बिल्कुल तय है, इसमें किसी का कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, डीबी यादव जी, आप इस मुलाकात को किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही चर्चा हुई थी जब उन्होंने दिया था बयान मध्यस्थता करने की ट्रंप की, तो बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाने और अंकल सैम नाम से सब चर्चा आपके चैनल के माध्यम से हुई, ये ट्रंप क्यों देते हैं बार बार बयान, उनका क्या हक है, क्या अधिकार है? कहीं ना कहीं वो भारत की किसी कमजोरी को पकड़े होंगे, पाकिस्तान की किसी कमजोरी को पकड़े होंगे, तभी मध्यस्थता करते हैं ना, जब दो लोग कमजोर होते हैं तभी तीसरा उसमें फायदा उठाने की कोशिश करता है, ये शाश्वत नियम चला आ रहा है और ये सर्वविदित भी है। बिल्कुल, और ट्रंप जहाँ पे हैं, जिस G7 शिखर सम्मेलन में वो गए हुए हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी वो विवादास्पद रहे हैं, पिछली बार जब कनाडा में उसका सम्मेलन हुआ था तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के या आयात शुल्क को लेकर के उसमें कई देशों ने आपत्ति जताई थी, तो ट्रंप ने वहाँ पर बहुत बखेड़ा किया था, तो एक विवादास्पद जगह पे हैं और वो अपनी बात मनवाने की कोशिश भी करते हैं वहाँ पर, जो भी वहाँ पर देश हैं, जिस भी मुद्दे पर वहाँ पर चर्चा होती है उसमें कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उसमें अमेरिका का ही हित निहित रहे, बाकी और किसी देश का वो नहीं चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर गए हैं वहाँ पर तो किसी प्रकार से कोई सकारात्मक वहाँ पर रिजल्ट निकले, कोई उद्देश्यपरक बात हो,
और बार बार ये अमेरिका जो कहता है कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो ये तो अब स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि वो पीएके को ही बात है। अब हमारे देश में जो पाकिस्तान था, अरे जो हमारे देश में कश्मीर था, उसमें हमने धारा 370 हटा ली, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम चाहे जहां वहां कुछ भी करें, उससे अमेरिका को क्यों लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो पीओके की बात है, वो भारत और पाकिस्तान दो देशों को समझना चाहिए कि अगर हम लोग आपसी सहमति से मिल बैठ करके इस मामले का हल नहीं निकालेंगे, तो अमेरिका बार बार, क्योंकि उसका जो स्वार्थ है, वो जो चाहता है कि हमारे यहाँ जो गोले बारूद बन रहे हैं, जो हमारे यहाँ मशीनें बन रही हैं, वो इन्हीं दोनों देशों में खपेंगी। कभी अमेरिका पाकिस्तान को ओबलाइज करके वहाँ पर ले जाने की कोशिश करेगा, कभी हिंदुस्तान को ओबलाइज करके वहाँ पर बेचने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को, दोनों देशों के आर्थिक जो मजबूरी, वो क्या नाम है, संकट में डालने की बात हो, चाहे और भी कई तरह की बातें हों, अमेरिका अपना जो है उल्लू सीधा करना चाहेगा वहाँ पर। बिल्कुल, विकास तिवारी जी क्या कहेंगे आप? डीबी यादव जी का कहना है कि अमेरिका केवल अपना उल्लू सीधा कर रहा है, उसकी मध्यस्थता से कोई लेना देना ऐसा नहीं है कि उसका कोई कुछ, वो आपके लिए अच्छा करना चाहता है, वो अपना चुनाव जीतना चाहता है, इसलिए वो आपकी मदद कर रहा है। इस मुलाकात से आप, इस मुलाकात पर आप क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। ट्विटर पर उन्हें सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता है पूरे विश्व में, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के सभी लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आज लोग चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों, उनके साथ हमारी बात करते हुए फोटो आवे, नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारी इतनी करीबी है ये फोटो आवे, और इस प्रकार से वो अपने देश में अपनी छवि को भुनाना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि अभी जहां पर भी विदेशों में जहां चुनाव हो, चाहे पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, जो ये इमरान खान जी जो भी चुन करके आए हैं वहां पर, वो खुद वहां पर नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे थे कि हम भारत को ऐसे विकसित करेंगे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपने देश को आगे ले जा रहे हैं। ट्रंप ने भी जब वहां पे पिछली बार चुनाव हुआ था, तो उन्होंने मोदी जी की बात को आगे बढ़ाया था। इसराइल में चुनाव हो रहा है, वहां पे भी मोदी जी के करीबी को दिखा रहे हैं नेतन्याहू जी। लेकिन विकास, तो आज सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल पर जा रहा हूं, मैं आपके सवाल पर जा, तो मोदी जी के साथ हर कोई मिलना चाहता है, और कोई भी व्यक्ति कितना भी मिले, कितने भी बार इस बात को कहे कि हम आपके बीच में मध्यस्थता करना चाहेंगे, लेकिन कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का अपना आंतरिक मामला है, और उसमें किसी की भी दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे एक पिता पुत्र के बीच का मामला होता है, किसी प्रकार के घर में आपसी विवाद है, तो उसमें हम पड़ोसी का दखल नहीं करने आते, किसी रिश्तेदार से नहीं पूछने आते, वो पिता पुत्र मिल बैठकर समझा लेते हैं। और मुझे लगता है कि अब इसमें कोई विवाद ही नहीं रहा है। 370 का एक मामला जो लगभग पिछले 70 सालों से चलता आ रहा था, जो कांग्रेस पार्टी की और जवाहरलाल नेहरू जी की देन थी, उसे सुलझा लिया गया है। अब ये मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वहां पे शांति है, अब हम वहां पे विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, वहां पे रोजगार होगा, वहां पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और वहां पर धीरे-धीरे सब चीजें धीरे-धीरे सही हो जाएगी। अगर मुद्दा खत्म हो गया होता, तो मुलाकात या बात करने के लिए चर्चा का विषय ये नहीं चुना जाता। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए क्या है कि पाकिस्तान जाकर के पूरे विश्व में शिकायत कर रहा है, वो क्या कहते हैं, यूएनओ में भी गया, पाकिस्तान के पास, चीन के पास भी गया, अमेरिका के पास भी गया, तो भाई आपके पास लोग आ रहा है तो क्या कहेंगे? ट्रंप जी कहेंगे मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा सब कुछ ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, बस यही बात होगी और क्या बात होगी भाई। किसी के व्यक्ति के पास आप पीड़ित है, आपकी शिकायत बार बार करने जाएगा, तो एक व्यक्ति पूछ ही लेगा भैया क्या बात है, आप लोग बताइए, तो बस सिंपल सी बात है, इसमें किसी प्रकार की परेशानी होने की बात जानना चाहता है जी। क्या उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी जो पहला झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर? देखिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये तो खुद ट्रंप जी जो है इसमें फंसे हुए हैं, पूरे वैश्विक समुदाय ने जो है इसमें उन्होंने घेरा है, अपने देश में ही उनका विरोध किया गया, उनके देशवासियों और कई सीनेटर्स ने भी कहा कि ये गलत है, आप इस पर, उन्होंने खुद इस मुद्दे पे बाद में बैकफुट पर गए हैं वो, तो इसमें तो संसद में भी सीधा सीधा गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि इसमें किसी की दखलअंदाजी नहीं बर्दाश्त होगी, और भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, भारत सरकार सीधा सीधा स्टैंड है, चाहे एक बार हो, चाहे 20 बार हो, चाहे 50 बार हो, चाहे पूरा विश्व इस बात को ये करके कहे कि हम मध्यस्थता करेंगे, लेकिन भारत इसमें किसी की मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं करेगा, और यह मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इस पर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति भी नहीं है। अब कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है, और आगे भी रहेगा, और हम कश्मीर को लेकर के निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अरविंद तिवारी जी, कल एक बयान आया इमरान खान का, जब उन्होंने कहा कि भारत पर आरोप लगाते हुए, क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार से विपक्ष पहुंचा था श्रीनगर, उनको वहां से लौटा दिया गया था, उसके बाद किस प्रकार से जो पाकिस्तान की मीडिया, उसने भारत को जमकर कोसा, साफ तौर पर उसका कहना था कि विपक्ष को आप अगर आने का मौका नहीं देते तो आप समझ सकते हैं वहाँ लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या की जा रही, किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। उस दौरान एक और बात निकल कर सामने आई थी, उस दौरान आरोप लगाया गया था भारत पर कि कश्मीर में मुसलमानों पर किए जाने वाले अत्याचार से नज़र हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस एजेंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि
विपक्ष को आप पीछे कर रहे हो, आप ये नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर ये देखे कि वहां जो कश्मीर के मुसलमान रहते हैं वो परेशान है। देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी तय नहीं कर पा रहा है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद वो कौन सा स्टैंड लेकर के जनता के बीच में जाए। वर्ल्ड कम्युनिटी में उन्होंने खूब शोर मचाया पर कहीं से भी कोई आवाज़ उनके साथ नहीं आई जी। और उसका मेन कारण भी यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद से बुरी तरह ग्रस्त है, आतंकवाद का पोषण कर रहा है। FATF ने भी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, अमेरिका ने भी अपनी सहयोग राशि को आधा कर दिया। अब रही बात G7 मीट की आती है तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री का कद, कितने कद्दावर नेता हैं वो इस बात से ही स्पष्ट है कि G7 का मेंबर ही नहीं है भारत और वो वहां पर आमंत्रित हैं। आधिकारिक तौर पर ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात के विषय का चयन तो नहीं किया गया कि उस पर पाकिस्तान के विषय पर बात होनी है या 370 पर बात होनी है। तो ये एक इन्फॉर्मल मीटिंग है जहां पर चीजों को नहीं, अरविंद तिवारी जी बात कही गई थी कि जब G7 के समिट में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी तो उस दौरान कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, इसीलिए हो सकती है, हो वो कोई और एजेंडा नहीं है ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई वार्ता का प्लेटफॉर्म नहीं है। निकल कर सामने आया कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं उस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। जी 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 G7 पर जो इन्वायरमेंट के लिए बात होनी है वहाँ पर नहीं, एक मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की भी होनी है, विपक्षी मुलाकात होगी, उस दौरान इस विषय पर चर्चा करी जाएगी। अरविंद विद्रोही जी, विषय उसका कोई तय नहीं हुआ। अरविंद विद्रोही जी, पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार ये प्रयास कर रहा है छवि दिखाने की भारत की कि आपने अनुच्छेद 370 का जो हटाया है या संशोधित आप कह लीजिए क्योंकि पहला खंड छोड़ के बाकी खंड हटाए गए हैं, तो उसके बाद से जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का प्रयास कर लगातार वो कोशिश कर रहा है। और आज इमरान खान जब अपने देश को संबोधित कर रहे होंगे कश्मीर का मुद्दा क्योंकि चयनित करा गया उसके लिए, क्या लगता है आपको किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होगा इमरान खान के? काव्या जी, पाकिस्तान और इमरान खान बेनकाब हो चुके हैं जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कश्मीर की वो बात करते हैं, भारत में जो हमारा जो कश्मीर हमारा है उसकी जब बात करते हैं जहाँ 370-35 से हटाई गई है और वो जब कहते हैं कि कश्मीर में इंसानियत कुचली जा रही, ये हो रहा है तो ये भूल जाते हैं, वो अर्ध सत्य बोलते हैं। बिल्कुल, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है अंतर्राष्ट्रीय जगत को अपनी निगाह वहां टिकानी चाहिए, वहां के लोग बेहाल हैं, हमारे जो लोग हमारे शासन सत्ता की नीतियों के कारण, चूक के कारण जो हमारा हिस्सा इस समय पाकिस्तान के पास है वहां पर जिंदगी रो रही है, वहां का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तो उन्होंने वहां के नौजवानों के लिए जो यहाँ आना चाहे उनके लिए वीजा में स्पेशल छूट दिया, वीजा बनाने में वहां के नागरिकों के लिए अगर उनको मेडिकल का इलाज कराना हो वहां मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। तो हिंदुस्तान में अगर हमारे जो कश्मीर वहां पर है, शेष कश्मीर है, उसके लोग यहाँ इलाज कराने आना चाहे उनके लिए स्पेशल सुविधा पिछली सरकार में हुई और उसका श्रेय जो है सुषमा स्वराज जी को गया जी। हमको चिंता है जी। हमको ये चिंता है क्योंकि वो कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हुक्मरान को कभी पाकिस्तान को कश्मीर के और कश्मीरियत और कश्मीर के लोगों की चिंता नहीं थी। ये ऐतिहासिक तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ सबकी जानकारी में, लेकिन कुछ चीजें छूट जाती हैं जी। जब हमारी सरकार ने, बहादुर फौज ने देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उसके 90,000 सैनिक हमारे बंधक हो गए थे और पाकिस्तान की, हमारा जो शेष कश्मीर है उसके साथ साथ पाकिस्तान की करीब 90,000 उतना स्क्वायर फीट हमने जमीन हमारे कब्जे में थी। 5-6 महीने बाद जब बैठक हुई सब हुआ तो अपने को भारतीयता को दृष्टि में रखते हुए इंदिरा जी ने 2 प्रस्ताव दिया था और वो सोच समझ के दिया था। वो सोचती रही होंगी कि जैसे मैं मानवता कहती हूं कि या तो सैनिक ले लो या तो जमीन ले लो जी। तो उस समय वहां के वजीर आला जो थे उन्होंने अपने नागरिकों अपने सैनिकों को नहीं मांगा और जमीन मांगी जी। जो हिंदुस्तान में आज लोग बयानवीर हैं उनको याद करना चाहिए कि उनके पार्टी के जो अध्यक्ष भी थी सर्वे सर्वा देश के प्रधानमंत्री थी उन्होंने पाकिस्तान को 2 प्रस्ताव दिया था, या तो जमीन ले लो या तो अपने बहादुर सैनिकों को ले लो जो हमारे बंधक हैं। उन्होंने सैनिकों को छोड़ दिया था और जमीन ले ली थी
और हमारे यहाँ देखिए, चाहे तब की सरकारों से अब तक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा हमारी सरकारें मुखरित रही हैं। अफसोसजनक केवल अभी आया है कि ये जो विपक्ष और प्रमुख दल कांग्रेसी है, ये कैसे जो है पाक की भाषा कांग्रेस बोल रही है, और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान मीडिया में पोस्टर बॉय कैसे बने, क्योंकि दोनों की भाषा इक्विवेलेंट है। ये भाषा कभी भी इंदिरा जी की, शास्त्री जी की, नेहरू जी की, पीवी नरसिंह राव की, राजीव गांधी की, किसी भी लाल बहादुर शास्त्री, किसी भी कांग्रेस के नेता नहीं थी। कांग्रेस जो है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय हितों का, जनता के हित के, भले चूक हुई हो कांग्रेस की सरकारों में, सारी इच्छा तो कोई नहीं पूरा कर सकता है। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार भी सारी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, लेकिन राष्ट्रवाद की कसौटी पर कांग्रेस हमेशा खड़ी थी। ये सोनिया गांधी के अध्यक्षता में या फिर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस की छवि जनता के बीच में पाक परस्त कांग्रेस हो गई है। भ्रष्टाचार वाला तो था ही, ये बड़ा संकट जो है देश की अंदरूनी राजनीति में है कि हमारा मुख्य विपक्षी दल पाक की भाषा बोलता नजर आता है और हर तरफ खंडन हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नावेद जी, अभी के जो अपडेट निकलकर सामने आई उसके अनुसार कि ट्रंप से जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, उसमें मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, किसी भी देश की मध्यस्थता उसमें से नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं इससे पहले भी बात नहीं कही गई है। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी, जिस प्रकार से विद्रोही जी ने कहा कि चुनाव एक अहम कारण है, उसके अलावा आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ट्रंप लगातार मध्यस्थता की बात कह रहे हैं? देखिए, ट्रंप की जो रणनीति है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, और उसकी अपनी कूटनीतिक जो एक स्ट्रेटजी है वो मैं समझता हूँ कि भारत के हित में नहीं है। और जिस हिसाब से अभी तक नरेंद्र मोदी जी जितनी बड़ी ताकत बन के उभरे हैं, नरेंद्र मोदी कोई शख्सियत खाली नहीं है, वो एक पूरे भारत की एक ताकत है, पूरे भारत का एक विश्वास है, और भारत की इस यहाँ के नागरिकों की जो भावनाएं हैं, जो खासतौर से कश्मीर के मुद्दे को लेकर हैं, उनको समझना चाहिए, और हर एक कदम जो है वो भारत की और भारत के वासियों की भावनाओं के हिसाब से करना चाहिए। ट्रंप ने जो हरकतें की है कश्मीर को लेकर वो ठीक नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने झूठ बोला, हमारे प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया, मध्यस्थता की बात की, उसके बाद भी कम्युनिकेशन अगर नरेंद्र मोदी जी का है तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है, उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार पाकिस्तान चिल्ला रहा है, चीख रहा है और अमेरिका के पास जा रहा है, करने दीजिए। आप सवाल इस बात का है कि जो गलत बातों के लिए कोई आदमी चिल्ला रहा है तो उसको आप क्यों उसको इतना सीरियसली ले रहे हैं? ट्रंप उसको लेकर और भारत से उस विषय पर बात करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों है? और नरेंद्र मोदी जी उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी उनके साथ फोटो खिंचवाना क्यों चाहते हैं? क्या ट्रंप उनके साथ फोटो खिंचवाना क्यों चाहते हैं? वो इंसान जो हमारे लिए इस वक्त कश्मीर मुद्दे पर एक नकारात्मक कैरेक्टर बन के उभर रहा है, जिसने लगातार झूठ बोला, जो लगातार पाकिस्तान की झूठी बातों को आगे बढ़ा रहा है, उसकी पीआर शिप कर रहा है, उसको दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है, तो मोदी जी को इस बात का समझना चाहिए कि मोदी एक वो शख्सियत है जिनसे एक भारत का और भारतवासियों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। अपने यहाँ नेशनलिटी के मुद्दे पर और जनसंख्या के मुद्दे पर और सामरिक तैयारियों के मुद्दे पर हम उससे लड़ सकते हैं। वही जो बीच में है, अब जो पीओके है थोड़ा सा अक्साई चीन ले लिया है, वही इंटरेस्ट है चाइना का भी पाक के साथ खड़ा होने का, क्योंकि जिस दिन भारत के नक्शे पर हमारा पूरा कश्मीर आ जाएगा, अखंड भारत, अखंड कश्मीर आ जाएगा, हमारा वो रास्ता सीधे अफगानिस्तान को हो जाएगा, रूस तक हमारा सड़क मार्ग हो जाएगा, और उस दिन हमारा व्यापार का मार्ग जो जल से भी वायु से है वो सड़क मार्ग से हो जाएगा, उस दिन चाइना हमसे सेकेंडरी हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की ताकत को और बढ़ाना को अपने नक्शे को सुधारने का एक अब वो समय आ रहा है, जिसकी घोषणा जो है कि पीओके भी हमारा है, बहुत अच्छे तरीके से गृह मंत्री बोले कि क्या बात करते हो, हम तो अपनी जान भी दे देंगे, वो समय आ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ये सरकार वो है कि जो करने के बाद कहेगी, इसके नेता बयानबाजी से बचते हैं राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर, इसीलिए इस मुद्दे रहते हैं, बाकी राजनीतिक मुद्दे पर खूब बोलते हैं, इनसे ज्यादा बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री भी हमारे पास नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ऐसा खूब बोलते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर चुप रह करके काम कर देना है उसकी सांस भी नहीं लेते हैं, तो इसको अमेरिका कैसे नहीं समझेगा? अमेरिका जानता है कि अपने नक्शे को दुरुस्त करने के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है,
इसलिए वो इस मुद्दे पर वो कुछ नहीं बोलेगा, वो भारत के साथ दिखावे में रहेगा। हम कमजोर होते तो अमेरिका कुछ भी कर लेता, क्योंकि अमेरिका जो है अपने हित की करता है, उसको भारत का हित ऐसी नहीं है, वो अपना हित ऐसी। बिल्कुल डीबी यादव जी, ट्रंप ने एक और बात कही, भारत पाक से बात करके एक अच्छा रास्ता निकालेगा। मतलब पाक से तो उम्मीदें है नहीं कि बात करेंगे तो भी कोई बेहतर रास्ते की उम्मीद दिखाएं, भारत से उम्मीदें हैं अमेरिका को भी। कब्बे जी, ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना। देखिए, दिन के उजाले में वो भारत के प्रधानमंत्री से कुछ और बात करेंगे और रात के अंधेरे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कुछ और बात करेंगे। रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री मोदी से बात करी उन्होंने, कल रात भी उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करी। अभी आपके चैनल के माध्यम से चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, आप पिछले लगभग एक महीने में उनके कितने बयान आए हैं कि ये विभेद करना मुश्किल है कि वो अपने को मूर्ख समझ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को मूर्ख समझ रहे हैं। तीन बयान उन्होंने दिया है, पहले दिया मध्यस्थता नहीं करेंगे, फिर दोबारा दिया मध्यस्थता करेंगे, अब आज दे रहे हैं कि मध्यस्थता नहीं करेंगे। तो क्या कहा जाएगा, उनकी चालबाजी को क्या समझा जाएगा, ये बताइए। और जब उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि भारत मध्यस्थता चाहता है, प्रधानमंत्री से बात हुई, तो ये इतना अच्छा सुनहरा मौका था भारतवासियों को भी संतुष्ट करने का, विश्व को संतुष्ट करने का। अगर प्रधानमंत्री जी उसी दिन सामने आते और उनके गाल पर एक करारा तमाचा मारते और अपने बयान से कहते कि नहीं ट्रंप जी, मैंने ऐसा नहीं कहा है, आप झूठ बोल रहे हो, तो शायद ये दूसरा संदेश जाता और आज इस G7 का इंतजार नहीं करना पड़ता प्रधानमंत्री को ये बयान और सफाई देने के लिए। जी कब है, अगर व्हाइट हाउस की तरफ से उस बात को खंडित कर दिया गया? नहीं, व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं, उन्होंने दोष लगाया प्रधानमंत्री का, दोष लगाया प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप। एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात में समझ, आपकी बात में समझ गया कब है, उनसे आप रिश्ते इतनी जल्दी खराब नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ के भारत के, भारत वहाँ के व्हाइट हाउस ने कहा था ये बात को और तुरंत खंडन करना चाहिए था प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री की जो ये कोई अनोखी बात नहीं है वहाँ पर, अगर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय डावाडोल हो चुकी थी, पिछले 70 साल में सबसे बड़े आर्थिक मंदी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। यादव जी का बर्ताव भी स्वयं डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही हो गया है। बिल्कुल, आप देखिए, आप गले जाके वहाँ मिलना डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है ना? क्योंकि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसी समय जो हमारा विदेश मंत्रालय है उन्होंने जो है स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि भारत का ऐसा कोई रुख नहीं था, भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उसके बाद संसद भवन में हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री दोनों लोगों ने स्पष्ट तौर पर इस बात को तुरंत अगले ही दिन कहा कि भारत का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है और भारत इसमें किसी की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। सात समंदर पार का इंतजार करते हैं, बात सुन जाएंगे, बात सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। विदेश मंत्री उस समय उनके साथ थे तो उनका कह देना भी तो वही बात हो जाती है। यदि भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि या भारत सरकार का कोई मंत्री कहता है तो उसकी बात का कोई मतलब नहीं है क्या? प्रधानमंत्री से खंडन चाहते हैं ना, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था, व्हाइट हाउस ने लगाया था ना, व्हाइट हाउस ने नहीं लगाया था, डोनाल्ड ट्रंप मुखदा करेंगे, मोदी नहीं मुखदा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अपना स्तर गिरा लेंगे तो मोदी नहीं गिराएंगे। के जा रहे हैं उनके साथ, मना कर देते हैं हम, आपके साथ नहीं आएंगे, क्या वैश्विक स्तर पर बातचीत बंद है, आप एक तरफ बात मत करेंगे। अरे देखिए, ये जो गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे, ये कहावत नहीं चलेगी, बहुत देसी कहावत है, बहुत लाजिक कहावत है। आप कहीं और लेके जा रहे हैं डिबेट को, आप लोग कहीं और लेके जा रहे हैं। अरविंद तिवारी जी, जो ये मुलाकात की तस्वीरें आई हैं, ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि देखिए दोनों आपस में हाथ मिलाते नजर आए, एक दूसरे से मजाक करते नजर आए। काव्या जी, हमारी बात पूरी नहीं हुई, पूरी बात आप पूरी होने दीजिए, या तो आप मेरा समय इन्हीं को लटा लिए, हमारी जरूरत नहीं है, आप इन्हीं से बुला लिए सारी बातें। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ऐसी है कि उनको अपने देश में ही कोई गंभीरता से नहीं लेता है, हकीकत तो ये है। और किसी समय में अमेरिका पूरे विश्व का दादा हुआ करता था, अपने आप को दादा समझता था, और हर अंतरराष्ट्रीय मामले में किसी भी देश के, दो देश के बीच मामला हो, अमेरिका हस्तक्षेप करता था। पिछले जो अमेरिकन राष्ट्रपति हुआ करते थे उनकी एक मजबूत छवि पूरे विश्व में हुआ करती थी। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि में ही गिरावट आई है, और इस बात को अमेरिकन, उन मूर्खों के बारे में भी विस्तार से बताना चाहिए, कौन मूर्ख थे। अभी डीपी यादव जी कह रहे हैं कि अब वृंदावन कर दे, इस बात को हम, इस सच्चाई को इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका, नवेद भाई ने बहुत अच्छी, नवेद भाई ने
बात की जो मूर्खों के बारे में बताना चाहिए। अभी आपका समय मिला था, आप काफी देर तक बोल चुके हैं, आप सुन लीजिए पहले, थोड़ा देर सुनने की क्षमता रखिए। अमेरिका जो है, मैं कह रहा था कि अमेरिका जो है पिछले राष्ट्रपतियों की एक अच्छी छवि थी, ट्रंप जी की वो स्थिति नहीं है। अब दो अमेरिका एक महाशक्तियों में से एक है और पूरे वैश्विक समुदाय में जो विदेश नीति होती है उसमें हम इस प्रकार से किनारा नहीं कर सकते, हम बात ही नहीं करेंगे, हमें मिलना जुलना होता है, द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करनी होती है। लेकिन हमारा स्टैंड क्या है, क्या हमारा स्टैंड बार बार बदल रहा है? नहीं, हमारा स्टैंड जो था वही है, वही रहेगा, और हम बहुत मजबूती से अपनी उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, आंख में आंख डाल के बात करेंगे, तो हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, पीछे थोड़ी ना हट जाएंगे, मुंह छुपा के थोड़ी ना भाग जाएंगे। आप बात करना चाहोगे तो हम बात करेंगे, बात कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, वैश्विक समुदाय में जब अमेरिका की छवि कमजोर हुई है तो वो इस मामले में हस्तक्षेप कर करके कहीं ना कहीं वैश्विक बिरादरी में अपनी छवि को बढ़ाना चाहता है। लेकिन आज भारत इस स्थिति में है कि वो अमेरिका को बढ़त नहीं लेने देगा। आज भारत स्वयं सभी को कंप्लीट करके सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। एक दिन देखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में नंबर एक का हर मामले में सबसे मजबूत देश होगा, और इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, डीपी यादव जी को अभी कुछ चीजों को बहुत स्पष्ट तरीके से समझना होगा। चले, अरे आप समझिए, एक मिनट काव्या जी, मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से जब चर्चा हुई थी, बगल में इमरान खान बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के, जब किर्गिस्तान में हुआ था, और इमरान खान एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठे थे, प्रधानमंत्री कोने में बैठे हुए थे। आप क्या बात करेंगे, बेइज्जती कर दिया ट्रंप ने। आज की तस्वीर देख लीजिए फिर, ठीक है ना? आज की क्या तस्वीर देखेंगे? आज की तस्वीर मैं दिखा दूं, आज की भी तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे। अभी एक आज ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई मित्र बैठा हुआ है। तो देते प्रधानमंत्री क्यों डोनाल्ड ट्रंप को, मूर्ख को क्यों देते हैं बार-बार वो? डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, कोई भी मुलाकात करने किसी देश के राष्ट्रपति से जा सकता है, इमरान खान भी गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, क्या है, इनको स्टूडियो में बैठकर किस प्रकार से बात करनी चाहिए? एक प्रधानमंत्री को एक मूर्ख शब्द बोल रहे हैं, नहीं तो क्यों देखते हैं? एक मूर्ख के साथ जाएंगे तो मूर्ख तो कहलाएंगे। आपने कहा ये बताइए, आपने कहा एक मूर्ख है तो मूर्ख से जाएंगे तो मूर्ख तो कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे? नहीं क्यों, आप बताइए, आप बताइए, आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप मजाक का पर्याय बन चुके हैं अमेरिका में, तो मजाकिया के साथ जाएंगे तो आप क्या कहना, बुद्धिमान कहलाएंगे? आप बताइए, बिल्कुल डीपी यादव जी, एक पद का मान रखिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए मत करिए। नहीं, आपने कहा अगर मूर्ख है और मजाकिया है तो अगर मजाकिया और मूर्ख के साथ जाएंगे क्या कहलाएंगे? जी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ मैं। अरविंद तिवारी जी, अरविंद तिवारी जी, तस्वीरें आई, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, हाथ मिलाते नजर आए, एक दूसरों के हाथ पे ताली देते नजर आए, मुस्कुराहट के साथ मिलते नजर आए, जैसे एक बहुत करीबी मित्र मिलते हैं। इमरान खान क्या इन्हीं तस्वीरों से डर रहे थे? बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पर जहाँ तक भारत के अपनी रणनीति का सवाल है, पूर्ण रूप से संसद से लेकर विश्व समुदाय में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि वार्ता के लिए कतई तैयार नहीं। वार्ता अब होगी तो सिर्फ पीओके भी होगी, और जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करेगा तब जी। तो ये स्टैंड जो है यूएन में भी दिया गया है, अमेरिका को भी दिया गया, चीन को भी दिया गया, पूरे विश्व समुदाय में, संसद में, सड़क में, सब जगह यहाँ पर लिखा हुआ, और इसमें कोई ढुलमुल नीति नहीं है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका, देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष है अमेरिका के, और उनका इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, तालिबान में, ईरान में, पाकिस्तान के एयर बेसिस को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान की उनको उस रणनीति के तहत जरूरत है जी। तो उनके साथ खड़ा होने के लिए कुछ ना कुछ वो इस तरह की सहानुभूति वाली चीजें या इस तरह की चीजें कि हमारे पक्ष में आ रहा है, तो उनको करनी पड़ रही। बिल्कुल, अदरवाइज जहां तक भारत के स्टैंड का सवाल है वो बहुत क्लियर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तुरंत उसका खंडन करा था जब पहली बार उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा है, तो अब हमारे विदेश मंत्री ने नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी इसका खंडन किया था। तो बिल्कुल बिल्कुल नावी जी, अभी एक बात निकलकर सामने आई जो डीपी यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सामने आना चाहिए था, विपक्ष को जवाब देना चाहिए था कि उन्होंने इस प्रकार की बातें कही, करारा जवाब देना चाहिए था। आपको नहीं लगता हर बात पे करारा जवाब देने की जगह सौम्यता से जवाब दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान ये कह दिया कि कश्मीर के मुद्दे पर
मध्यस्थता के लिए हम कभी ना आगे बढ़ेंगे और तीसरे देश को हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बहुत साहसिक और अच्छा बयान दिया था, इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो सवाल का भी स्वागत करना चाहिए जिसने कुछ लोगों ने कहा, चाहे वो देश के नागरिक हो चाहे वो विपक्षी दल हो, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह देते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। सवाल करना गुनाह नहीं होता है, ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें अगर लोगों ने या यादव जी ने भी इस तरह की इच्छा जाहिर की तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत ही गलत बात नहीं है। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। प्रधानमंत्री ने अपने विवेक से उसका जवाब दूसरे तरीके से दिया, शालीनता से दिया, लेकिन कुछ लोग ये चाहते थे कि जिस तरीके से उसने ट्रंप जी ने झूठ बोला था उसको प्रधानमंत्री का खुद ये कहना चाहिए था, ताकि वैश्विक स्तर पर भी ये जवाब एक करारा जवाब होता। बिल्कुल, उसी समय जवाब देते तो ज्यादा प्रेशर बनता और दबाव बहुत बनता और बहुत अच्छी छवि बनती हिंदुस्तान की। गृह मंत्री ने कहा और संसद में कहा गया, वो बातें अलग है, लेकिन कोई जवाब देने के लिए कोई स्पेशल बैटरी नहीं होती है। देश जो चाहता है, जनता जो चाहती है, वो प्रधानमंत्री को वो अगर वो कह देते तो अच्छी बात थी, नहीं कहा, दूसरे तरीके से कहा, वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन इसको लेकर कोई बहुत बड़ा ये मुद्दा और ये विवाद नहीं है। मेन बात ये है कि अब ये इतनी बड़ी भारत ताकत है कि हम ट्रंप के साथ में अगर फोटो खिंचवा रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत किसी पिक्चर के पोस्टर की तरह हम इसकी सराहना नहीं करेंगे। हम सराहना अमेरिका करे कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ फोटो जारी हुआ है। हम इतने छोटे नहीं है, हम बड़ी ताकत है, हम हर मामले में अमेरिका से आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमें इतना इतना कम सोच वाला नहीं होना चाहिए कि पोस्टर जारी हुआ तो साहब ट्रंप को हम खुदा या भगवान मान ले। ये सब थिंकिंग अपनी थोड़ी सी कमजोर करनी वाली है। नवेद भाई, आपने बहुत अच्छी बात की, हम लोग मजबूत थे और मजबूत रहेंगे। तस्वीरों में एक फर्क है, फर्क ये है कि जब इमरान खान ट्रंप के साथ बैठे हुए थे उस दौरान न किसी प्रकार का हंसी मजाक की आपने तस्वीर देखी, न हाथ में हाथ मिलाते देखा, न एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर ताली बजाते देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो तस्वीरें आई हैं, इसलिए इतनी छोटी बातें नहीं की जाती कि हंसी क्या हो रहा है, मजाक क्या हो रहा है, उंगली टेढ़ी है तो हाथ कसा हुआ है, सब चीजें बड़ी छोटी होती है। मैं समझता हूँ ये सब बातें जो है ये वैश्विक स्तर पर दुनिया के इतने बड़े जी, ये वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान मीडिया के जो भक्ति टाइप के लोग होते हैं, जो एजेंडा चलाने वाले होते हैं, उस टाइप के लोगों की ये टिप्पणी राष्ट्रीय काव्या जी, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये वो हिंदुस्तान है जिसने 1971 के जंग में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अगर पाकिस्तान किसी हिमाकत और किसी मुगालते में रहेगा तो उसके कितने टुकड़े होंगे उसको पता नहीं चल पाएगा। काव्या जी, पूरे हिंदुस्तान एक साथ हैं और करारा जवाब देंगे पाकिस्तान को। वो तो खुद बारूद की ढेर पर खड़ा है, वो क्या बात करेगा आगे। उसके यहाँ रोटी नहीं है खाने के लिए, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, भीख मांग रहा है दूसरे देशों से। हमको उसके देशों उसके आंतरिक मामले में न देख करके अपने यहाँ को भी देखना चाहिए, जिस प्रकार से 70 सालों के आर्थिक मंदी के दौर से हम लोग जुगा आज मैं समझता हूँ दिशा में जाना चाहिए। जो अरविंद जी ने कहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि भारत इतनी बड़ी ताकत की तरफ है, आज इतनी मजबूत सत्ता है कि पाक अधिकृत जो हिस्सा है हमारा, वो हिस्सा हमारे में मिलना चाहिए और ये हमें बिल्कुल 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 ये मिलना चाहिए। बिल्कुल, सारे सारे लोग एक हैं, सारे लोग एक हैं, उनकी ताकत से उम्मीद है, उनके विश्वास से उम्मीद है, उनके इरादों से उम्मीद है और वो हमारा हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने अस्पष्ट कहा है, संसद में भी कहा है, पब्लिक के बीच में भी कहा है, हर प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। और सिर्फ कश्मीर की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब पाक अधिकृत कश्मीर भी उसमें शामिल होता है ऑटोमेटिकली, इस बात को अलग से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यह आता है कि हमारे विपक्ष के देश के अन्य पार्टियों के नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जो भी भाकपा माकपा जो भी इस प्रकार की पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मत इससे भिन्न रहता है। और अभी जब राहुल गांधी कश्मीर जा रहे थे तो किस लिए जा रहे थे ये सभी जानते हैं, पूरे देशवासी जानते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ जो वहां पे शांति की खबर आई है उसको भड़काना था। लेकिन आप सभी लोग कभी भी उन पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि वो लोग गलत कर रहे थे। आप कहिए ना डीपी यादव जी से, देखिए सत्ता पे सवाल उठता भाई मेरे, जो आप पार्टी को उसके कर्मों का फल मिल गया उसे क्या किया जाएगा? कांग्रेस तो खत्म होने की कगार पे, सुनिए मेरे पास कांग्रेस खत्म होने की कगार पे, कांग्रेस से कौन सवाल करेगा? भारतीय जनता पार्टी से सवाल होगा, मोदी से सवाल होगा और मोदी जी को जवाब देना।
देना पड़ेगा। टीवी में भाई का सवाल थोड़ी ना होगा। फिर भी हमारे साथी ने 10 मिनट कांग्रेस की नाकामी के बारे में बात करता है, कोई फायदा नहीं होगा। ये सत्ता पे सवाल उठाए जाते हैं भाई। ये देखिए, ये गली का जवाब सत्ता को देना पड़ता है। कांग्रेस ने जवाब दे दिया के कांग्रेस ने 10 साल राज किया, उसका उसके कर्मों का फल मिल चुका है। बिल्कुल डिबेट है, लेकिन आप गलत बात मत करिए। यहाँ पे जवाब दीजिए। नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। उसी गली में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल इंडिया वाद जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे आप बोल रहे हैं और अनलगर बात न बोलिए। सही सही आप बात बोलिए, आप उन पर तार्किक बात न बोलिए। आप कह रहे हैं मोदी, जवाब सुनिए, सवाल सुनने की क्षमता रखिए ना। सवाल सुनने की क्षमता रखिए। मैं कह रहा हूँ कि सही समय पर, सही प्लेटफॉर्म पर, सही फोरम पर अपनी बात कही जाएगी। यदि डोनाल्ड ट्रंप अपनी छड़ गिरा लेते हैं या जी जिनपिंग अपनी छड़ गिरा लेते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी भी अपनी छड़ गिरा ले क्या? वे कुएं में कूद जा रहे हैं तो मोदी जी भी कूद जाए क्या? अगर डोनाल्ड ट्रंप उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं तो क्या जवाब तुरंत मोदी जी भी दे क्या? हमारे जो है अधिकृत लोगों ने इस बात को कहा है, उन लगता है वहां मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए था। अब आपके हिसाब से मोदी जी यहां बोले वहां बोले, नहीं बोलेंगे आपके साथ थोड़ी ना बोलेंगे। यहां पे उन्हें लगेगा क्लास कमेंट दे दीजिए, वहां पे बोलेंगे। वो हमारे से कमेंट करिएगा, विद्रोही जी लास्ट कमेंट स्ट्रेट व्यक्ति हैं आप, जैसा व्यक्ति आप शांत हो जाइए, बोल सकते हैं। विद्रोही जी लास्ट कमेंट जल्दी से बोलिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको पहली बात तो अपने शब्द वापस लेना चाहिए। एक प्रधानमंत्री मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि हम अपने ये बात आप ही ने कही उनसे चैनल करके। जी बोलिए बोलिए। भाजपा के साथी विकास जी ने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोगों ने 370 और कश्मीर के उसके बारे में बोल दिया, इसलिए विपक्ष को और किसी को बाहर नहीं बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पर तक ये बात पहुंचा दें कि वो भाजपा के ही साथी के इस कथन के सर्वथा विपरीत आचरण उन्होंने पोखरण में अटल जी के स्मृति सभा में करते हुए बयान दिया था। उन्होंने वहां पर देश के रक्षा मंत्री भाजपा के बड़े नेता ने 370 और कश्मीर वहां की वो चर्चा की थी, जिसको इस डिबेट में भाजपा के साथी कह रहे हैं अब उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये देश जो है 130 करोड़ लोगों का है, उन लोगों का भी है जो शेष कश्मीर में है। देश की ये सरकार ही नहीं, सारी सरकार राष्ट्रवाद की और राष्ट्र की सीमाओं पर के मुद्दे पर एकमत रही है। सब लोग हैं, ये दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर हटके भारत माता के मुकुट को, भारत माता के वैभव को दुरुस्त करने की लड़ाई है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्रीय अस्मिता के गौरव को और भारत को विश्व गुरु तक ले जाने की लड़ाई है। ये उस नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, जो नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेरा क्या, मैं तो फकीर लेके चला जाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी भी नहीं सपने में सोचते होंगे मेरे रहते विश्व गुरु बनूं, उनका ये सोचना होगा कि मेरा भारत विश्व गुरु बने। उनके अंदर व्यक्तिवाद नहीं है, उनके अंदर सिद्धांत है कि मैं भारत माँ की सेवा करूं, भारत की सीमाएं और भारत के लोग समृद्ध हों। बिल्कुल विद्रोही जी, समय कमी के बाद सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, साफ तौर पर अपनी बातों को रखने के लिए। काफी अहम बातें निकल कर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप से भारत की मुलाकात जिस मुद्दे पर हुई, उस मुद्दे पर बात भी निकल कर सामने आई। अगर पूरी तरीके से अमेरिका ने विश्वास ही भारत के ऊपर जताया है कि अगर भारत पाक से बात करता है तो एक बेहतर रास्ता निकालेगा। इस बुलेटिन में रहते हैं, आप बने रहे इंडिया वॉच के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।